और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी हां, मनु भाकर एक और ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रही हैं अपने जोड़ीदार सरबजीत के साथ। शूटिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और मेडल मिला है। और मनु भाकर, जी हां मनु भाकर, जिन्होंने सिंगल इंडिविजुअल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा था अपने सहयोगी अपने टीममेट सरबजीत के साथ। मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम ने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है दक्षिण कोरिया की जोड़ी को, इन्होंने 16-10 से हराया है। जाहिर तौर पर इतिहास रच दिया है कि किसी शूटर ने, भारतीय शूटर ने लगातार एक ही ओलंपिक में ये दो मेडल हासिल किए हैं। और मनु भाकर, जब उन्होंने पिछला ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, और उस दौरान मनु भाकर की तरफ से कहा गया था कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले इवेंट में देश के लिए और पदक जीत कर आऊंगी। और मनु भाकर ने अपना वादा निभाया। मनु भाकर ने अपने सहयोगी अपने टीममेट सरबजीत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दक्षिण कोरियाई टीम को हराया है नजदीकी मुकाबले में, कड़े मुकाबले में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। और साथ ही साथ मनु भाकर ने इस उपलब्धि के साथ एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रच दिया है। एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली, अगर हम बात करें शूटिंग इवेंट में, ये एक तरह से कहें कि ये बड़ी उपलब्धि और एक बड़ा कारनामा, एक बड़ी कीर्तिमान रचा है मनु भाकर ने। मनु भाकर हरियाणा से आती हैं और मनु भाकर ने इससे पहले भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ में भी बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा था, वर्ल्ड इवेंट्स में भी इन्होंने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया था। और बहुत उम्मीद मनु भाकर से थी और उन्होंने न सिर्फ खाता खोला पेरिस ओलंपिक में, दो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का, बल्कि अपना देश का खाता खोलने के साथ साथ दूसरे नंबर का मेडल भी मनु भाकर की ही निशाने से आया है। उनकी टीममेट, उनके साथी सरबजीत, ये टीम इवेंट जिसमें सरबजीत के साथ उनकी जोड़ी और इन मनु भाकर सरबजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम की तरफ से साउथ कोरिया को हराकर, 16-10 से हराकर इस कांस्य पदक को जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने बताया था जी भी आप इसमें शूटिंग पाओ जी, इसके कहने पे शूटिंग पाया था जी। अच्छा, 13 साल की उम्र। तो ये ओलंपिक पदक विजेता सरबजीत के पिता, और ये कहा कि कभी उन्होंने मैच नहीं देखा, आज भी मैच नहीं देखा इन्होंने, फाइनल कभी कोई मैच नहीं देखा। फिलहाल बेटे ने गर्व से जो सीना चौड़ा कर दिया, उस कमरे में बैठकर इन्होंने लाइव अपडेट्स लेते रहे। और इस शूटिंग एकेडमी इस समय चहल पहल है, काफी यहाँ पर रौनक है, जो प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल के यहाँ पर खड़े हैं। आपने लाइव देखा, आप भी आने वाले टाइम में हो सकता है ओलंपिक में जाएं, कैसा लगा कि आपका साथी आज ओलंपिक मेडल जीत के आया? जी बहुत अच्छा लगा कि मनु भाकर और सरबजोत भैया भारत के लिए ब्रॉन्ज लेके आए, काफी अच्छा लगा। और मैं पूरे भारत को मुबारक देना चाहूंगा। और जी बहुत अच्छा लगा। साथ ही प्रैक्टिस करते थे? जी जी, रोज हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। क्या थी नेचर सर, कैसे नेचर है सर? बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बहुत अच्छे भैया हैं। और जैसे अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम भी होती है शूटिंग में तो हमको हेल्प करते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और काफी अच्छे हैं। जगह से जहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की वहां पर बात करने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची। भीलवाड़ा से